हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्री बजट परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री को रूमा देवी ने दिए सुझाव। बाड़मेर आगामी बजट वर्ष 2022-23 की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सामाजिक कार्यकर्ता व हस्तशिल्प डिजाइनर डॉक्टर रूमा देवी ने राज्य की महिलाओं के हितार्थ अपने सुझाव प्रस्तुत किए। रूमा देवी ने बजट पूर्व परामर्श बैठक में सर्वप्रथम गत वर्ष रखे उनके सुझाव को बजट में शामिल करने पर आभार प्रकट किया, जिसमें विवाह के पश्चात जॉब व पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु बजट राशि की मांग स्वीकार की गई थी। रूमा देवी ने इस बजट पूर्व परामर्श बैठक में बोलते हुए कहा कि हमारा राजस्थान कुटीर उद्योगों का धनी है और हमारे गांव की महिलाएं हुनर के जरिए आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन परेशानी की बात है कि उन महिलाओं को आगे मार्केटिंग के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए राजस्थान की उपज और कारीगरी को देश विदेश तक पहचान दिलाने के लिए एक ब्रांड का निर्माण किया जाए, जिससे सभी उत्पादों को केंद्रीभूत कर उन्हें पहचान दिलाने के मिशन से ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाए। इससे न सिर्फ राजस्थान के गांवों की महिलाओं को संबल मिलेगा, बल्कि गांवों के इकोनॉमी में इजाफा राजस्थान को एक ऊंचे पायदान पर ले जाएगा। उन्होंने दूसरे सुझाव के तहत प्रस्ताव रखते हुए कहा कि नई पीढ़ी की बच्चियों के कौशल को बढ़ावा मिले। आज सरकार बच्चियों की पढ़ाई पर जितना ध्यान दे रही है, मेरा मानना है कि राजस्थान के कौशल की गुणवत्ता को नजर में रखते हुए जिला स्तर पर ऐसे इंटरव्यू हो जो डिजाइनिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, मर्चेंडाइजिंग आदि के कोर्स उपलब्ध कराएं, जहां इमेजिनेशन से इनोवेशन कर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया जा सके। आज इस तकनीकी युग में अगर हम निरंतर साथ नहीं चलेंगे तो निश्चय ही हमारे गांव पीछे रह जाएंगे। इस प्रावधान से गांवों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे और निसंदेह बेहतर रिजल्ट निकल कर आएंगे। रूमा देवी फाउंडेशन की संयोजक नैन्सी सिंगला ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास और कन्वेक्शन हॉल मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर से इस बैठक हेतु रूमा देवी बाड़मेर कलेक्ट्रेट की वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम से जुड़कर बजट हेतु सुझाव दिए। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।